हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड्स की फोर्थ वीडियो। इससे पहले हम तीन वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन दिया होगा वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बोमल्स वर्जन की थ्योरी ऑफ मनी डिमांड का, जो बोमल्स वर्जन था उसकी हम इसमें बात करेंगे, जिसे हम इन्वेंट्री अप्रोच भी कहते हैं। वो छोटी सी वीडियो रहने वाली है क्योंकि वो छोटी सी थ्योरी बोमल ने दी थी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ मनी डिमांड को हम थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। अब ये थ्योरी ऑफ वैल्यू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की फॉर्म में भी होती है, यानी कि जो क्लासिकल्स ने दी थी, केन्स ने जो दी थी उसे हम केन्स थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं, पोस्ट केन्शियन ने जो दी थी बोमल्स अप्रोच एंड टॉबिन्स अप्रोच कहते हैं, और उसके बाद फ्रिडमैन्स थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके दो वर्जन है, एक है फिशर्स का ट्रांजेक्शन वर्जन, दूसरा था कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन। इस कैम्ब्रिज इक्वेशन में हमने तीन इक्वेशन की बात करी थी, मार्शल इक्वेशन, पिगू इक्वेशन एंड रॉबर्टसन इक्वेशन। तो एक वीडियो में हम फिशर की बात कर चुके हैं, एक वीडियो में हम कैश बैलेंस अप्रोच की बात कर चुके हैं, और एक वीडियो में हम केन्स थ्योरी ऑफ मनी की बात कर चुके हैं। पहली वीडियो ये थी, सेकंड वीडियो में हमने ये बात करी और थर्ड में हमने इसकी बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय लर्न टू कम्पीट, या फिर कैश बैलेंस अप्रोच बाय लर्न टू कम्पीट, या केन्स थ्योरी ऑफ मनी डिमांड बाय लर्न टू कम्पीट। आज हम बात करेंगे पोस्ट केन्शियन थ्योरी ऑफ मनी की, जिसमें हम बोमल्स अप्रोच की बात करने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है। इसी तरह हम टॉबिन्स अप्रोच की बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रिडमैन थ्योरी ऑफ मनी की। इसके बाद थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम बोमल्स अप्रोच। देखिए, बोमल्स इन्वेंट्री अप्रोच में हम पोस्ट केन्शियन की बात कर रहे हैं, और पोस्ट केन्शियन में दो इकोनॉमिस्ट की बात हम करते हैं, एक विलियम बोमल हो गए और एक जेम्स टॉबिन हो गए। ठीक है, विलियम बोमल ने जो बात करी थी 1952 में बात करी थी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड की, और जेम्स टॉबिन ने 1958 में करी थी। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं विलियम बोमल की करने वाले हैं। अब हमें पता है केन्स ने ट्रांजैक्शन डिमांड की बात करी, स्पेक्युलेटिव डिमांड की बात करी और प्रिकॉशनरी डिमांड की बात करी। बोमल्स ने जो बात करी थी सिर्फ ट्रांजेक्शन डिमांड की करी थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोमल्स टेक इनटू कंसीडरेशन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। बोमल ने कहा कि कोई भी पर्सन जो है मनी की डिमांड करता है सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए, ओके, बाकी किसी चीज़ के लिए वो मनी की डिमांड नहीं करता। उसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए ट्रांजेक्शन डिमांड की जरूरत पड़ती है, और वो जो ट्रांजेक्शन डिमांड के लिए पैसा डिमांड करता है, जो वो कैश अपने पास रखता है, उसे नाम दिया था बोमल ने इन्वेंट्री का। इसीलिए हम इसे इन्वेंट्री अप्रोच भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री आपने सुनी होगी, जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अपने गोदाम में संभाल के रखता है, जिसे हम उसकी इन्वेंट्री कहते हैं, ओके। चाहे रॉ मटेरियल उसने एडवांस में रखा हुआ हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज एडवांस में रखी हुई हो बना के, तो उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। इसी तरह मनी के केस में भी हम इसे इन्वेंट्री कहते हैं, जब कोई पर्सन, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे हमारा हाउस होल्ड हो, अपने पास कैश रखता है ताकि वो ट्रांजेक्शन कर सके। ठीक है, तो इन्वेंट्री शब्द का इन्होंने यूज़ किया था। इन्वेंट्री क्या होती है? द स्टॉक ऑफ मनी, मनी का वो स्टॉक जो इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म अपने पास रखती हैं फॉर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के लिए जो मनी का स्टॉक कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म अपने पास रखता है, तो उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जब इनकम आई, मान लीजिए आपके अकाउंट में सैलरी आई, तो आप उस सैलरी से पैसा निकाल के अपने पास रख लेते हैं ताकि आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकें, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने यहाँ पे डायग्राम में वाई एक्सिस पे मनी होल्डिंग लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। मान लेते हैं कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपकी सैलरी आई, ओके, आपकी सैलरी है 12,000 रुपीज़। अब 12,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में सैलरी आई है, आपने क्या किया, वो 12,000 निकाल के अपने पास कैश फॉर्म में रख लिया ताकि आप उससे ट्रांजेक्शन कर सके। तो आपकी इन्वेंट्री में कितने पैसे हैं इस टाइम? 12,000 रुपीज़ हैं, ओके। अब जब आपने 12,000 पे अपने अकाउंट से निकाल के रख लिए, उसे आप खर्च करेंगे, कब तक खर्च करेंगे? 1 फरवरी तक, यानी कि जब तक आपकी नेक्स्ट सैलरी नहीं आती तब तक आप उसे खर्च करेंगे। फिर 1 फरवरी को आपकी दोबारा सैलरी आएगी, फिर आप उसे निकालेंगे और आप उसे 1 मार्च तक खर्च करेंगे। तो हम अपनी इन्वेंट्री को कब तक खर्च करते हैं? पूरे महीने तक खर्च करते हैं। इसी तरह 1 मार्च को हम फिर अकाउंट से पैसे निकालेंगे और उसे 1 अप्रैल तक खर्च करेंगे, ओके। तो 12,000 हम पूरे महीने खर्च कर रहे हैं, ओके, यानी कि 30 डेज खर्च कर रहे हैं। इसमें से पहले 15 दिन हमने 6,000 खर्च किए होंगे, बाकी के 15 दिन हमने बाकी के 6,000 खर्च किए होंगे, ओके। तो एवरेज मनी होल्डिंग क्या होगी यहाँ पे? 6,000, यानी कि 6,000 हम पहले 15 दिन में खर्च किए और 6,000 हमने बाद के 15 दिन में खर्च किए। अब बोमल का कहना ये था कि आप ट्रांजेक्शन के लिए जो अपने पास इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो आपको सारे के सारे पैसे ट्रांजेक्शन के लिए रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे कि आप 6,000 रख लेते 15 दिन के लिए निकाल के, और बाकी 6,000 जो है वो आप कहीं पे बॉन्ड में लगा सकते थे, या फिर आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते थे जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता। तो इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से आपको इंस्टेंट इंटरेस्ट मिल सकता था।
बॉन्ड के केस में बोमल ने कहा था बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है, बॉन्ड ज्यादा रिस्की एसेट है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, बेसिक इंटरेस्ट थोड़ा कम मिले बट ये लेस रिस्की होता है। तो चाहे आप अपना बॉन्ड में पैसा रख रहे हैं चाहे सेविंग में पैसा रख रहे हैं, आप वो 6,000 रुपये बाकी 15 दिन के लिए रख सकते थे, ठीक है, जब तक आप इस 6,000 को खर्च करते पहले वाले। तो अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें तो हमने पहले 1 जनवरी को 6,000 रुपीज निकाले, ठीक है, अब वो 6,000 रुपीज हम 15 जनवरी तक यूज करेंगे, ठीक है। इस 15 दिन में बाकी बचे हुए 6,000 का हम इंटरेस्ट यूज कर सकते थे, ओके, इंटरेस्ट ले सकते थे, और उसके बाद हम बाकी 6,000 निकालते और उसे हम 1 फरवरी तक यूज कर लेते। इसी तरह 1 फरवरी को फिर जब हमारी 12,000 सैलरी आती हम 6,000 निकालते और उसे 15 फरवरी तक यूज कर लेते। फिर इसी तरह 15 फरवरी को बाकी पैसे निकाल लेते और उसे हम 1 मार्च तक यूज कर लेते। तो बोमल ने इसे कहा था कि आप कुछ पैसे अपनी इन्वेंट्री में रख सकते हैं और कुछ पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं जिसे आप यूज कर सकें। तो अगर आप अपनी इन्वेंट्री में कैश फॉर्म में पैसा रख रहे हैं, अपने पास आप ज्यादा पैसा निकाल के रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको पैसा सेविंग अकाउंट या बॉन्ड की फॉर्म में रखने में यूज किया जा सकता था उसे आप खो देंगे, जिसे उसने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा था, ठीक है। तो आप अपने पास जो कैश में पैसा रख रहे हैं उसको रखने का कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने खो दिया अगर वो पैसा अपने अकाउंट में रखा होता। अब इसके अलावा बोमल ने एक और चीज कही थी कि अगर किसी पर्सन के पास 12,000 सैलरी है, 12,000 उसकी सैलरी है और 12 का 12,000 उसने एक बारी में निकाल लिया, तो उसने टोटल कितनी ट्रांजेक्शन करी एक मंथ में, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करी, ओके। और अगर उसके पास 12,000 सैलरी है, उसने 6,000 निकाल लिया 15 दिन के लिए और 6,000 उसने बाद में निकाला बाकी 15 दिन में, तो उसने एक मंथ में कितनी ट्रांजेक्शन करी, 2 ट्रांजेक्शन करी। इसी तरह अगर वो 4,000 करके निकालता, 4,000 पहले 10 दिन के लिए निकाल लेता और बाकी अपने 8,000 सेविंग अकाउंट में रखता ताकि उसे इंटरेस्ट मिल जाता, फिर 10 दिन बाद फिर 4,000 निकाल लेता और बचे हुए 4,000 सेविंग अकाउंट में रखता ताकि उसे उसका भी इंटरेस्ट मिल जाता। तो अगर उसकी सैलरी 12,000 है और वो 4,000 करके निकाल रहा है तो टोटल ट्रांजेक्शन कितनी करेगा, 3 ट्रांजेक्शन करेगा मंथ में। तो ट्रांजेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, वाई अपॉन में सी। तो एक पर्सन कितनी ट्रांजेक्शन करेगा ये डिपेंड करता है उसकी इनकम कितनी है और वो एक बार में कितना कैश विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। सी क्या है, जो वो उसने कैश विड्रॉल किया, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बोमल ने इसके अलावा एक और बात कही, बोमल ने कहा जब भी कोई पर्सन कैश विड्रॉल करने जाता है तो उस पर उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे जाने का खर्चा देना पड़ता है, बैंक जाने का खर्चा देना पड़ता है, ट्रैवल कॉस्ट देना पड़ता है। अब एक चीज याद रख लीजिए क्योंकि हम ये 1952 की बात कर रहे हैं जब ये थ्योरी आई थी, तो यहाँ पे कोई UPI ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आप याद रख के चलिएगा अभी क्योंकि पुरानी थ्योरी है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा इस टाइम भी से, ठीक है। आज के टाइम में UPI आ गया है तो आपके पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतना नहीं है। तो जब कोई पर्सन बैंक से ट्रांजेक्शन करने जाता है तो उसे ट्रैवल कॉस्ट देना पड़ेगा, या फिर अपने बॉन्ड को एसेट में कन्वर्ट कराने जाता है, कैश में कन्वर्ट कराने जाता है, तो उसे ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। तो किसी भी पैसे को कैश फॉर्म में रखने के लिए उसे 2 टाइप के कॉस्ट देने पड़ते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ज्यादा कैश वो निकालता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट खो देगा जो वो कमा सकता था उस पैसे पे, और इसी के साथ साथ अगर वो कम कैश रखता है तो उसे ट्रांजेक्शन बार बार करने जाना पड़ेगा और ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर उसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइप के कॉस्ट की बात बोमल ने करी। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको कौन सा बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है अगर आपने कैश निकाल के पैसा रख लिया तो आपने कुछ इंटरेस्ट खो दिया जो आप कमा सकते थे। तो कैश को निकाल के रखने का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने खो दिया जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है, ब्रोकरेज फीस। अगर मान लीजिए आपने बॉन्ड की फॉर्म में अपना पैसा रखा था तो ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। अगर आप कम पैसा कैश अपने पास रखेंगे तो आपको बार बार पैसा निकालने बैंक जाना पड़ेगा, तो आपको या तो ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी अगर आपने वो पैसा बॉन्ड की फॉर्म में रखा हुआ है, अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है, बुक कीपिंग, पोस्टेज कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोमल ने बोले थे, यानी कि कॉस्ट टू कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश, वो कॉस्ट जो आपके एसेट को कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी दुविधा की बात थी बोमल के अकॉर्डिंग कि भाई अगर हम ज़्यादा कैश रखते हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट खो देंगे, ठीक है, और अगर हम कम कैश रखते हैं तो हमें बार बार पैसा निकालने जाना पड़ेगा तो हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो बोमल ने कहा कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कॉस्ट मिनिमाइज कर सके अपना, ना ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो ना ही हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, इस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और उसे उन्होंने क्या कहा था, ऑप्टिमम बैलेंस। तो हमें ऑप्टिमम बैलेंस अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहिए जिससे हमारे ये कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, ना ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा लगे ना ही हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगे।
तो एक ऑप्टिमम बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि आप कितना कैश विड्रॉल करके अपने पास रखते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट देख के। अब इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है एक, जो कि है सी इज इक्वल टू में 2BT अपॉन में आई। सी मैंने आपको बताया वो कैश जो कोई पर्सन विड्रॉल करता है, तो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी है ऑप्टिमम विड्रॉल ऑफ कैश, जो कैश किसी पर्सन ने विड्रॉ किया। अब वो ऑप्टिमम कब होगा, जब वो ट्रांजेक्शन और रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के डिसाइड करेगा। यहाँ पर बी क्या है हमारा, बी है हमारा द कॉस्ट एसोसिएट विद कन्वर्जन ऑफ अर्निंग एसेट इन टू कैश, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट को कन्वर्ट करने में, बॉन्ड को कन्वर्ट करने में जो ब्रोकरेज फीस देनी पड़ रही है, ठीक है, या आपका ट्रैवल कॉस्ट देना पड़ रहा है, ओके। और ये टी क्या है, टी है हमारी टोटल ट्रांजेक्शन इन द पीरियड। मान लीजिए किसी पर्सन ने 2 ट्रांजेक्शन करी और हर ट्रांजेक्शन में उसे ब्रोकरेज फीस देनी पड़ी होगी बैंक में जाके, या ट्रैवल कॉस्ट लगा होगा उसका बैंक जाने का, ठीक है। तो ट्रैवल कॉस्ट उसका था 40 रुपये और उसे 2 बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ी, यानी 2 बार बैंक जाना पड़ा, तो ट्रैवल कॉस्ट कितना हो गया 80 रुपये। अगर ट्रैवल कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वो बैंक में से ज़्यादा कैश निकाल के अपने पास रखेगा कोई पर्सन, ताकि उसको बार बार ट्रांजेक्शन ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, यानी जितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा उतना पर्सन कोई अपने पास कैश निकाल के रखेगा, ताकि बार बार उसे बैंक ना जाना पड़े। और यहाँ आई क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है अप्रोप्रिएट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कोई पर्सन उतना ही कम कैश अपने पास रखेगा, क्यों, ताकि वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सके, ठीक है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा पर्सन कैश अपने पास ज़्यादा निकाल के रखेगा, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, क्या फ़ायदा बैंक में पैसे रखने का, तो वो कैश अपने पास ज़्यादा निकाल के रखेगा। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि हम कितना विड्रॉल ऑफ कैश निकाल के रखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आई क्या है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हम ये कैश की डिमांड क्यों कर रहे हैं, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। तो बोमल ने एक बात कही थी कि ट्रांजेक्शन डिमांड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, जबकि केन्स ने क्या कहा था, ट्रांजेक्शन डिमांड सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है वो होती है स्पेक्यूलेटिव डिमांड। लेकिन बोमल ने कहा ट्रांजेक्शन डिमांड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो बोमल और टॉबिन इसीलिए केन्स से अलग थे, क्योंकि अनलाइक केन्स, बोमल एंड टॉमिट सेड दैट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी ऑल्सो डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, और साथ ही आपने याद रखना है ये फॉर्मूला। अब इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ट्रांजेक्शन किसके इक्वल होती है, वाई अपॉन में सी के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी 12,000 इनकम है, जो कि मैंने आपको बताया, और आप कैश एक बार में निकाल लेते हैं 12,000, तो टोटल ट्रांजेक्शन आप कितनी करेंगे, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करेंगे। वहीं पे अगर आप 12,000 इनकम है तो एक बार में आप कैश निकाल के ला रहे हैं 4,000, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितनी करेंगे आप, 3 करेंगे। तो ये टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास सी किसके इक्वल आ जाता है, 2B, टी किसके इक्वल है, वाई अपॉन सी के। तो वाई अपॉन सी हो गया, ये आई एज इट इज आ गया, ओके। अब ये सी हमारा इस साइड चला जाए तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 2BY अपॉन में आई। वाई क्या है हमारी, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की इनकम है हमारी। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। इसे ही नाम दिया गया था स्क्वायर रूट फार्मूला का, जो किसने दिया था, बोमल ने दिया था। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये है स्क्वायर रूट फार्मूला। स्क्वायर रूट फार्मूला क्या कहता है, ऑप्टिमम कैश विड्रॉल, यानी कोई पर्सन कितना कैश विड्रॉल करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, ओके, इनटू में वाई क्या है, उसकी इनकम, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अब हमें ये चीज पता लग गई कि बोमल के केस में ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मनी डिमांड कम होगी, वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा मनी डिमांड ज्यादा होगी। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक्सिस पे लिया है हमने ट्रांजेक्शन डिमांड, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर चल रहा है, तब ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है हमारी एम, यानी हम इस पॉइंट पे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हुआ, हमारी मनी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कैश बंदा ज़्यादा रखेगा अपने पास, कैश फॉर्म में पैसे ज़्यादा रखेगा, ठीक है। तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस हमारी बढ़ गई। इसी तरह और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, हम ज़्यादा कैश अपने पास रखेंगे, तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस और बढ़ जाएगी। तो इस सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे, हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग करवाती है। तो ये बात सही होगी कि हमारे जो कैश बैलेंस है या ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ वो इनकम पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोमल के केस में ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है
इनकम पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी हम कह सकते हैं मनी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो डिमांड कर्व हमारी आई है, ये आई है वाई इज इक्वल टू में वाई वन। मान लीजिए वाई वन हमारी इनकम थी कंज्यूमर की, जैसे ही इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी ऑब्वियसली वो ज्यादा ट्रांजेक्शन डिमांड करेगा, तो ये हमारी डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांजेक्शन डिमांड वाला डायग्राम दिखाना है बोमल के केस में, तो हम दिखा सकते हैं कि ट्रांजेक्शन डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के इन केस ऑफ बोमल। यानी बोमल ने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रांजेक्शन डिमांड डिपेंड करेगी, जबकि केन्स ने कहा था स्पेकुलेटिव डिमांड डिपेंड करेगी, ट्रांजेक्शन डिमांड सिर्फ इनकम पे डिपेंड करेगी। बोमल लिखा इनकम पे भी डिपेंड करेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वहीं पे इनकम घटेगी तो मनी डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो मनी डिमांड कम हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे तो मनी डिमांड बढ़ जाए। तो आई होप आप लोगों को ये स्क्वेयर रूट फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कैसे आया, आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि मनी डिमांड कैसे इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, और आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टॉबिन्स अप्रोच, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।